सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज का वीडियो का दो टारगेट है। सबसे पहला एंडर ड्रैगन का मारना, और दूसरा टारगेट है एक इलाइट्रा लेना, क्योंकि यहां से वहां जाना मैं पैदल बहुत मुश्किल होता है दोस्त, लिटरली बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम जाते हैं नेदर में। अब तुम पूछोगे एंडर ड्रैगन को मारना है तो नेदर में क्यों जाओगे? देखो यार, हमारे पास एंडर पर्ल तो है, लेकिन हमारे पास ब्लेज रॉट नहीं है, तो वो मुझे जाना होगा और लेकर के आना होगा। और ये चीज हम करने वाले हैं 3 सेकेंड में, यानी कि 3, 2, 1। और हमारे पास आ चुका है आई ऑफ एंडर। बेसिकली इसको जाकर पोर्टल में लगा देना। और मैं गया था नेदर, एडिटर ने आपको नहीं दिखाया? अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी एडिटर भाई, जरा वो क्लिप लगाना 30 सेकेंड का। बहुत सारा ब्लेज रॉड को और ब्लेज को बेसिकली, जिससे मेरे को रॉड मिला। और मैं सोचा जब रॉड ले ही रहा हूँ तो अच्छा खासा ही ले लेते हैं, तो मैंने 30-40 ले लिया। और क्योंकि मेरा स्वॉर्ड में लूटिंग 3 है, इसलिए 30-40 आ गया। अब सीधा बढ़ते हैं हम अपने एंड पोर्टल की ओर, ठीक है? मैंने नाम भूल गया था, उसके लिए माफ करना। मुझे जहाँ तक याद है वो इस साइड में है कहीं है। लेट्स सी, एक सेकेंड, ये किधर गया? ओके, इधर ही है। मैंने बोला था भाई पहला टूट गया। और ये बेसिकली आपने नहीं देखा होगा, तो मैंने एक नया डेकोरेशन किया था अपना नेदर बायोम के लिए। बेसिकली नेदर जो क्या बोलते हैं पोर्टल जो है, उसके लिए मैंने डेकोरेट किया। और कैसा लगा आपको कमेंट करके बता सकते हो। लेट्स गो, शुरू हो चुका है माइनक्राफ्ट का न्यू सीरीज। आई थिंक रात हो गया, मेरे को रुक जाना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, डरते नहीं है, हमारे पास बहुत नेक्स्ट लेवल का इंचाइंटेड है, तो मुझे इनसे डर वर नहीं है, भगलोल आदमियों से। सीधा चढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर और आपसे मिलते हैं एग्जैक्टली। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड। लेट्स गो, चलते हैं ड्रैगन को बीट करते हैं। और तुम ये गाना सुनो तब तक, कैसा लगता है तुम्हें? ओके, तो अभी देखो क्या सीन है। मैं अपने साथ बेड लाना भूल गया, तो मैं इसमें मरने का बिल्कुल रिस्क नहीं ले कर बाबा। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। क्योंकि अगर मरा तो फिर वापस मुझे वहां से आना पड़ेगा, तब तक शायद मेरी चीजें डिस्पॉन हो जाएंगे। हाँ, मेरे पास काफी सारे टूल्स हैं जो मैं फिर से वापस लेकर आ सकता हूँ, बट क्योंकि ये गेम मैंने सेव नहीं किया है तो अपन लोग को मर नहीं सकते। चलो चलते हैं और एंडर ड्रैगन को कूट करके आते हैं। वैसे एक सेकंड, ब्लॉक है ना मेरे पास? हाँ, क्योंकि ब्लॉक होना जरूरी है दोस्त। हाँ देखिए, इसलिए मैं बोला था ब्लॉक होना जरूरी है, बट अपन के पास आई ऑफ एंडर भी तो है। चलते हैं फटाफट एंडर ड्रैगन को मार करके। यू गया यू आया। नहीं लगते ज्यादा टाइम लग गया तेरे पे? फाइनली भाई एक हिट दूर था, और ये था चमगादड़ जो मर चुका है। लेट्स गो, पहले एक्सपी कलेक्ट करते हैं, एंडर ड्रे एक खरे कलेक्ट करते हैं, और फिर निकलते हैं सीधा इलाइट्रा की तरफ, ठीक है? सो मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा खतरों के खिलाड़ी कौन है, और वो है तुम्हारा भाई। कैसे पता हूं? ये देखो, इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू ही फक्ड अप। भाई बच गया। स्ट्रगल है भाई लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है। चलो हम पहुंच गए हैं एंड सिटी, मतलब एंड सिटी नहीं है ये, बेसिकली एंड सिटी का एक छोटा सा एरिया है जहां पहुंचे हैं। अब मैं आपसे मिलता हूं एग्जैक्टली जब एंड सिटी मिल जाता है तब। तो फाइनली हमें एंड सिटी मिल चुका है, लेकिन सीन क्या था, मेरे को 2-3 एंड सिटी और भी मिला था, लेकिन वो एंड सिटी नहीं था, हल्का सा पता नहीं क्या था, एक यहाँ पर है और एक कहीं उधर था, मेरे को दिखा था ये थोड़ा सा, बट उनके पास मेरे को दिख नहीं रहा, इधर कहीं था, बट उसमें सिप्रैक नहीं था। तो मैं सोचा सिप्रैक के बिना जाकर लूट के क्या फायदा, तो इसके अंदर चलते हैं, फटाक से लूटते हैं और निकलते हैं अपने घर की ओर। बेसिकली इलाइट्रा यहाँ मिलता है, तो यहाँ बेसिकली मेरे को सर्कल बॉक्स भी चाहिए होगा ना, तो ये एरिया मैं लूटूंगा और फिर निकलते हैं हम सर्कल बॉक्स लेकर के अपने घर की ओर। चलो ये ब्रिज पार करके मिलते हैं। Lexmore,
क्यों, चलो अब फटाफट तुम्हें टाइम स्टैम्प देखने को मिलेगा और सल्कर बॉक्स को मारते हुए मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और चेस्ट में क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम आ चुके हैं अंदर, अब यहाँ पर एक भड़वे को मेरे को मारना पड़ेगा जो, और सामने दिख रहा है चमचमाता इलाइट्रा। दोस्तों वी गॉट द इलाइट्रा एंड यहाँ पर जितने भी लूट है वो सब ले लेते हैं। अबे तुम मतलब सुअर हो क्या? और यहाँ पर मिलता है एंडर एग, मतलब एंडर ड्रैगन का मुंह। क्या मुझे ये लेना चाहिए? ऑफकोर्स लेना चाहिए। देखो ये सब प्रीशियस चीज होते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, प्रीशियस तो नहीं बोलेंगे बट हाँ ये सब होते थोड़े से महंगे वाले चीज, तो ये सब डेफिनेटली मिलना चाहिए, लेना चाहिए। चलो और हमारे पास आ चुका है इलाइट्रा, और ये सब पानी की टंकी क्या कर रही है? चलो अब एक बार हवाई यात्रा को बोलते जय श्री राम और मारते हैं हवा। अब मेरे को ढूंढना है वापस घर जाने का जगह। अब वो जगह मेरे को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, अब पता नहीं देखते हैं कहाँ मिलता है। बेसिकली आसपास कहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वापस घर ही चल लेंगे। और क्या मतलब इधर ही से कहीं से तो आए थे, मिल जा भाई। एक पोर्टल होता है जहाँ पर, जहाँ से हम लोग घर जा सकते हैं, और वो पोर्टल मेरे को मिल नहीं रहा है, तो खोजने में टाइम लग सकता है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो, तब तक हम खोजते हैं, करते हैं बंदोबस्त आपके लिए। ठीक है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ओके, तो मुझे खोजते खोजते एक और सिपरेक मिल गया, तो मैं सोचा क्यों ना एक बार और खोज लेता हूँ, एक बार और एक और इलाइट्रा ले लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास आ चुका है दो दो इलाइट्रा एक साथ। कम ऑन यार, अनबिलीवेबल। और यहाँ पर भी बहुत सारा डायमंड, वाओ यार, मेरा ये सक्सेसफुल हो चुका है दोस्त, ये सीरीज मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। हमारे पास आ चुका है दो दो इलाइट्रा, मतलब किसी के पास एक भी ना हो, हमारे पास दो हो गए। तो अगेन एक और सिटी मिल चुका है, अभी तो सिटी का लाइन लग गया है, लेकिन एक चीज का लाइन नहीं लगा हुआ, और वो है मेरा पोर्टल। मेरा पोर्टल किधर है मेरे दोस्त? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरा इलाइट्रा टूट जाएगा मेरे दोस्त, मिल जा पोर्टल। पोर्टल नहीं मिल रहा यार, मतलब एंड सिटी मिल गया, पोर्टल नहीं मिल रहा है। वाह, चलो हो चुका है, डन गाइस। अब हम सीधा यहां से सोएंगे और उठेंगे पता कहां, अपने घर को। फाइनली भाई इलाइट्रा आ चुका है और कंप्लीट कर चुके हैं माइनक्राफ्ट का सीरीज। हाँ लेकिन ये सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ एंडर ड्रैगन को मारे हैं। और देखो हम कहां हैं, कहां आए भाई। तो सबसे पहला काम क्या है, मेंडिंग। दोनों में अनब्रेकेबल और मेंडिंग लगाना, मेरे पास बहुत सारे बुक है, आई रियली अप्रिशिएट अगर इसमें से कोई मेंडिंग हो तो। फटाक से चलते हैं इनके अंदर, अनब्रेकिंग लगाते हैं, मेंडिंग का भी जरूरत नहीं है, अनब्रेकिंग 3 काफी है इन सब के लिए। और एक बार अपना वर्ल्ड को हवाई यात्रा करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो इसके अंदर सीधा लगाते हैं अनब्रेकिंग 3 का, मतलब अनब्रेकिंग 3 का बुक लगाते हैं। और यस हो चुका है अज्जा भाई, और आ चुका है हमारे पास इलाइट्रा। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, हमारे पास इलाइट्रा आ चुका है, और हमारा वर्ल्ड कुछ देखने में ऐसा लगता है दूर से। आप लोग बताना आपको कैसा लगता है हमारा वर्ल्ड। बेसिकली अभी बहुत कुछ बाकी है इस वर्ल्ड में, आई नो कि अभी तो बस शुरुआत ही है, बहुत खाली खाली लगता है, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारा काम किया है। एंड एक चीज और मैंने काम किया है, वो ऑफ स्ट्रीम किया था, एक तो ये किया था और दूसरा अपने अंदर सारे चेस्ट बॉक्स सब भर दिया था। बाकी चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताओ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये देखो हमने 3 सेकंड में ये वीडियो को बीट कर दिया। चलो मेरे बकवास तो चलता रहेगा, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।